नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तरुण और स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल तरुण ट्रैकिंग ट्रैक में। आइए तो आज जानते हैं CSC से पैन कार्ड कैसे अप्लाई करें। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने PC स्क्रीन पर और बताते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहे हमारे साथ। इसके लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और इसके बाद इसमें टाइप करना है PSA CSC लॉगिन। इसके बाद इंटर टाइप करें और myutility.com इस पर क्लिक करने के बाद अपना CSC ID एंड पासवर्ड से लॉगिन कर लें। अप्लाई न्यू पेन पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर न्यू पेन 49A पे क्लिक करें। इसके बाद स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट, इस पर आपको इंडिविजुअल कर देना है। उसके बाद NRI कोटा को नो कर देना है और पैन कार्ड मोड में बोथ कर देना है। इसके बाद सबमिट। यदि आप किसी लेडीज का बनाते हैं तो इसमें SMT लगाइए, और यदि कोई लड़की का बना रहे हैं मतलब शादीशुदा नहीं है तो कुमारी लगाइए, और यदि जेंट्स का बना रहे या तो वो शादीशुदा रहे या शादीशुदा नहीं रहे तो उसको श्री लगा दीजिए। इसके बाद यहाँ पे सर नेम मतलब लास्ट नेम और फर्स्ट नेम और यहाँ मिडिल नेम, जिस प्रकार से आप यहाँ टाइप कीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको हम दिखा रहे हैं। इसके बाद क्या आप अदर नाम से जाने जाते हैं? यदि हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन इस पर आप रेसिडेंट कर देंगे, और रेसिडेंट स्टेट इस पर आपका जो भी स्टेट हो वो कर देंगे। हमारा बिहार है तो हम बिहार कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर हमें दो बार टाइप करना होता है। इस पर नाम टाइप करें एज पर आधार। अब नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। इस पे आप आइडेंटिटी प्रूफ के जगह पे आधार कार्ड ले लें, उसके बाद एड्रेस प्रूफ के जगह पे भी आधार कार्ड ले लें, और डेट ऑफ बर्थ के भी प्रूफ के जगह पे आधार कार्ड ले लें। मतलब तीनों जगह पे आधार कार्ड लेने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करें। पेमेंट हो जाने के बाद पेज इस प्रकार से दिखाई देगा। इसके बाद अपना यहाँ कस्टमर का मोबाइल नंबर लिख दे और यहाँ पे ईमेल आईडी जो है अपना ही लिख दे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे फादर नेम लिख दे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें और यहाँ पे एड्रेस मतलब जिस एड्रेस पे आप पैन कार्ड लेना चाहते हैं वो वाला एड्रेस यहाँ पे आप टाइप कर दें। और लास्ट में यहाँ पे आप हिमसेल हरसेल्फ करके अपना वेरिफिकेशन पे लिस्ट डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें और फिर सबमिट पर क्लिक करें। ये आपका रिसीविंग हुआ, ये आप कस्टमर को दे सकते हैं। ऑनलाइन का प्रक्रिया तो अब हो गया। अब रह गया डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। इस प्रकार से फॉर्म में फोटो चिपका लें प्लस कस्टमर का साइन करवा लें, और आधार कार्ड पे भी एक नीचे आधार कार्ड अटैच कर लें फॉर्म के साथ, और आधार कार्ड के नीचे सिग्नेचर करवा लें। और ये आधार कार्ड का जो साइज है 1 MB से कम होना चाहिए। फिर चलते हैं हम अपने पोर्टल पे, फिर वहां से आपको दिखाते हैं। अप्लाई फॉर न्यू पेन पे जाना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आएगा, तो इस पे आप क्रॉप एंड अपलोड का ऑप्शन सिलेक्ट करें और आगे बढ़ें। चूज फाइल पे क्लिक करें
और जो अभी आपको हम जो दिखाए हैं फाइल वो सेलेक्ट कर लें और अपलोड पीडीएफ फाइल पर क्लिक करें। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि नेट थोड़ा स्लो। इस फॉर्म पे क्लिक करें और इस फोटो पे ड्रैग करके जितना आपको आपके मन हो लेने का उतना ले ले और नीचे आइए, क्रॉप इमेज पे क्लिक करें और इमेज क्रॉप हो गया, इसे ड्रॉप करके इस जगह पे छोड़ दें। फोटो अपलोड सक्सेसफुल हो गया। अब सिग्नेचर पे भी सेम करना है और क्रॉप इमेज ऐसे यहाँ उठा के छोड़ दें और अपलोड पिक्चर एंड सिग्नेचर पे क्लिक करें। डॉक्यूमेंट्स अपलोड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। ये आपका रहा रेफरेंस नंबर, इसे आप रख भी सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।